गाइस वेलकम टू स्टडी विद फेस्टिनेशन दिस इज क्लास टेन साइंस ओलम्पिया चैप्टर ट्वेल्व मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट फोर्थ तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन टू लॉन्ग पैरल कंडक्टर्स वन एंड सेकंड प्लेस डेट राइट एंगल्स टू ए मीटर स्केल एट टू सेंटीमीटर एंड सिक्स सेंटीमीटर मार्क्स एट शोन दे कैरी करंट ऑफ वन एम्पियर एंड थ्री एम्पियर रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन। दे विल प्रोड्यूस जीरो मैग्नेटिक फील्ड एट तो हमारे पास एक स्केल और इस स्केल के परपेंडिकुलर हमने रखे हैं दो पैरेलल कंडक्टर एक है हमारा फर्स्ट और दूसरा है सेकेंड और इन दोनों के अंदर जो हमारे करंट की डायरेक्शन है वो है हमारी सेम एक को हमने रखा है टू मार्क पर और दूसरे को हमने रखा है सिक्स सेंटीमीटर मार्क पर हमें बताना है किस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी ज़ीरो होगी तो जो हमारी वायर फर्स्ट है इस वायर फर्स्ट के अंदर राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो हमारी होगी कुछ इस तरह और जो हमारी वायर सेकेंड है इसके अंदर करंट की डायरेक्शन होगी हमारी कुछ इस तरह तो इन दोनों वायर के बीच का जो पार्ट है इसके अंदर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक दूसरे से टकराएंगी और इनके टकराने से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी हो जाएगी ज़ीरो तो हमें वो पॉइंट बताना है इस स्केल के बीच में जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो होगी तो जो हमारा करंट है फर्स्ट वायर में वो है एक एम्पियर का और दूसरी वायर में है तीन एमपियर का करंट और इनके बीच में ये जो हमारा डिस्टेंस है ये है हमारा फोर सेंटीमीटर का तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होती है करंट के यानी कि अगर कम करंट होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगी और ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वायर फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर हम उसको डिवाइड करें एक चार सेंटीमीटर की लेंथ में तो वो होगी हमारी वन रेशो थ्री क्योंकि जो इनका करंट है वो है हमारा वन और थ्री तो जो चार सेंटीमीटर की लेंथ है इसका जो वन रेशो थ्री होगा वो होगा हमारा एक सेंटीमीटर और दूसरा होगा तीन सेंटीमीटर इसका ये मतलब है कि जो वायर फर्स्ट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारी बस यहाँ तक जाएगी यानि कि बस एक यूनिट तक जाएगी और जो हमारी वायर सेकेंड है इसके अंदर ज़्यादा करंट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारी तीन यूनिट तक जाएगी और ये दोनों हमारी टकराएंगी इस पॉइंट पर और ये जो पॉइंट है ये है हमारा थ्री सेंटीमीटर तो जो हमारा थ्री सेंटीमीटर का मार्क है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी जीरो होगी तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन थ्री क्लोज सिमिलर कोयल्स पी क्यू एंड आर आर प्लेसड सच दैट देयर प्लेन्स आर पैरेलल इन द कोयल पी एंड आर करंट ऑफ द सेम मैग्नेट्यूड फ्लोज एज शोन इन द फिगर कोयल्स क्यू एंड आर आर स्टेटिक वाइल कोयल पी इज मूव विद ए यूनिफॉर्म स्पीड टूवर्ड्स क्यू देन तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास तीन कोयल्स हैं और जो हमारी कोयल पी है ये कोयल हमारी क्यू की तरफ आती है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से तो कोयल पी हमारी आती है क्यू की तरफ तो जब यह कोयल क्यू की तरफ आएगी तो जो क्यू के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारा चेंज और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर प्रोड्यूस होगा करंट और ये जो हमारा करंट है ये इस तरह प्रोड्यूस होगा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा इंक्रीज होता है तो करंट इस तरह प्रोड्यूस होगा कि वो उसको डिक्रीज़ करेगा और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा रिड्यूस होता है तो करंट इस तरह फ्लो होगा कि वो उसको इंक्रीज करेगा तो इस डायग्राम के अंदर पी के अंदर जो करंट है वो हमारा क्लोकवाइज है क्लॉकवाइज का मतलब ये जो हमारा फेस है ये हमारा एक्ट करेगा एज साउथ और जो हमारा दूसरा फेस है जो कि हमें नहीं दिख रहा वो हमारा एक्ट करेगा एज नॉर्थ तो ये जो हमारा फेस है ये है हमारा साउथ तो साउथ फेस हमारा जाता है क्यू की तरफ जिससे कि जो क्यू है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा इंक्रीज होता है और इसको हमें करना है रिड्यूस तो जो क्यू है ये अपने बैक साइड के फेस को साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा ताकि ये जो कॉयल है ये हमारी दूर हो सके यानी कि रिपेल हो सके तो इस कोयल का ये फेस है हमारा साउथ और साउथ फेस हमारा आता है क्यू की तरफ और क्यू को इसको करना है ओपोज तो क्यू का जो ये वाला फेस होगा जो कि हमें नहीं दिखता ये हमारा एक्ट करेगा है साउथ ताकि इस कोयल पी को वो रिपेल कर सके तो अगर ये फेस हमारा साउथ है तो ये फेस होगा हमारा नॉर्थ अगर ये फेस हमारा नॉर्थ है यानी कि जो करंट है वो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज़ तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एंटी क्लोकवाइज करंट विल बी इंड्यूज इन कॉल क्यू एस सीन बाई आई जो हमारी आय है वो हमारी यहाँ पर है तो इस आय के अकॉर्डिंग जो हमारा करंट है वो एंटी एंटीक्लोकवाइज होगा तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर एटीन द वेरिएशन ऑफ इंड्यूज ई एम एफ विद टाइम टी इन ए कोल इफ ए शॉर्ट बार मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग इट्स एक्सिस विद ए कॉन्स्टेंट फिलोसिटी इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटिड एज तो हमारे पास एक मैगनेट जिसको हम पास लाते हैं कोयल के तो इस मैगनेट को हम पास लाएंगे इस कोयल के उसके बाद इसको दूर लेकर जाएंगे तो सबसे पहले आएगा ये पास उसके बाद ये जाएगा दूर तो जब ये बार मैगनेट इसके पास आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारा इनक्रीज और जब ये इससे दूर जाएगा तो जो मैगनेटिक फ्लक्स है वो होगा हमारा रिड्यूस तो एक बार जो हमारा ई है यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो होगी हमारी नेगेटिव या पॉजिटिव और दूसरी बार वो होगी हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव और वो हमारा डिपेंड करेगा ये जो हमारा फेस है ये है हमारा नॉर्थ या साउथ तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारी चेंज होगी तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सिर्फ इसी ग्राफ के अंदर सबसे पहले ये है नेगेटिव उसके बाद ये है पॉजिटिव बाकी सारे ग्राफ्स में ये हमारी सिर्फ पॉजिटिव है लेकिन ग्राफ बी के अंदर ये है हमारी नेगेटिव उसके बाद है पॉजिटिव तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तो इसके बाद है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एंड ट्वेंटी रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सिंपल ए सी जनरेटर प्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ ए शोन इन फिगर तो हमारे पास है एक ए सी जनरेटर जो कि प्रोड्यूस करता है ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ यानि कि ऑल्टरनेटिंग करंट तो ये है हमारा फिगर नंबर फर्स्ट इसके अंदर ये है हमारा टाइम जो कि चार सेकेंड और जो हमारी ऑसिलेशन्स है वो है हमारी दो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारी 0.5 पॉइंट हर्ट्स अब इसके बाद जो सेकंड ग्राफ है इसमें लिखा गया है इफ़ द स्पीड ऑफ जनरेटर इज़ चेंज्ड, तो हमने जनरेटर की स्पीड को चेंज किया है तो जो हमारा ई है वो भी हमारा चेंज होगा और जो नया आउटपुट है वो हमें दिया गया है फिगर सेकेंड में तो जनरेटर की स्पीड हमने चेंज की तो चार सेकेंड में सिर्फ एक ऑसिलेशन होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ज़ीरो पॉइंट टू फाइव फर्ट्स तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी रिड्यूस और जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के तो जितनी जनरेटर की स्पीड ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और जितनी ये कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी भी हमारी कम होगी इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इनमें से कौन सा चेंज जनरेटर की स्पीड में ओकर हुआ तो हमें बताना है जनरेटर की स्पीड में हमने क्या चेंज किया तो जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी हो गई थी हाफ़ यानी कि जो जनरेटर की स्पीड है वो भी हमने हाफ़ की थी तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इट इज़ हाफ उसके बाद सेकेंड इन विच ग्राफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग ई इज़ हाइर कौन से ग्राफ में फ्रीक्वेंसी हमारी हाइयर है तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट ग्राफ फर्स्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी थी 0.5 जो कि थी हायर तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए